दीपावली अवकाश के बाद चिमनगंज कृषि उपज मंडी सुबह विधिवत तरीके से खुली और अनाज तिलहन व्यवसायी संघ द्वारा आयोजित मुहूर्त के सौदों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। सोयाबीन आज सबसे ऊंचे दामों पर यानी 7,551 रुपए में बिका, वहीं दूसरी ओर चना 10,500 रुपए में बिका। मंडी खुलने के पहले ही किसान बड़ी संख्या में अपनी फसल लेकर पहुंचे और मुहूर्त के सौदे के पूर्व प्रांगण में स्थित गणेश मंदिर में मंडी व्यापारियों सहित मुख्य अतिथि शांति स्वरूपानंद महाराज द्वारा महाआरती की गई, जिसके बाद मुहूर्त के सौदे हुए, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद सहित विधायक पारस जैन, कांग्रेस पार्टी विधायक रामलाल मालवी सहित मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष आदि शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सोयाबीन के भाव आधे रह गए। हर वर्ष मुहूर्त होता है, इस साल भी मुहूर्त हुआ है और जो उत्साह व्यापारियों में देखा है, वास्तविक में वो उत्साह बहुत ही अच्छा था। और गणपति बाबा की आरती के बाद जब हम मुहूर्त पे गए तो डालर चना जो बिका है 10,451 के करीब डालर चना बिका है। मेरे ख्याल से ये इंदौर से भी ज्यादा भाव है।